हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ मैं नई जॉब अपडेट। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले कोई भी लिंक वगैरह हो, कोई भी PDF फाइल हो, कोई भी एडमिट कार्ड से संबंधित खबर हो या लेटेस्ट जॉब अपडेट हो, सबसे पहले हमारी यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी अपडेट दी जाती है। चलिए दोस्तों, देखिए आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है उनके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले देखिए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोस्तों, JSSC, इसमें क्या दोस्तों, एक्साइज कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट 2022 थी, इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है दोस्तों। 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट पहले थी, अब इसकी जो है ना 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट कर दी है, यानी कि लगभग 1 वीक और इसमें आवेदन करने का बढ़ा दिया गया है। तो 2 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एक्साइज कॉन्स्टेबल पोस्ट। उसके बाद भिवानी में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की पोस्ट निकली थी, जिसमें वेरियस पोस्ट थी, उनके क्या है एग्जाम डेट जो है ना वो डिक्लेयर कर दी गई है। एग्जाम डेट या फिर DV शेड्यूल उनका जो है दोस्तों वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इनका एग्जाम और इंटरव्यू डेट जो ना 30 मार्च को है, 30 मार्च को इनका एग्जाम और इंटरव्यू डेट है दोस्तों भिवानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के अंदर। उसके बाद अगला बात करता हूँ दोस्तों, SSC GD कॉन्स्टेबल की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। SSC GD कॉन्स्टेबल का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, तो दोस्तों फाइनल आंसर की SSC ने जो है जारी कर दी है। लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद देखिए, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में 211 पदों की भर्ती का जो है ना रिजल्ट बहुत ही अभी शाम को जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में है 211 पदों पर जो है ना उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, 2021 की दोस्तों ये भर्ती थी। उसके बाद अगला दोस्तों देखिए, एडमिट कार्ड से संबंधित खबर है। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड दोस्तों, इसमें क्या है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं फॉर जो पोस्ट थी, पोस्ट है दोस्तों JSA एंड JSA/TA। पोस्ट कोड अगर मैं बात करूँ दोस्तों वो है 44/21 और 9/21 दोस्तों। इनकी एग्जाम डेट जो है ना 1 से 23 अप्रैल के बीच इनके वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम होंगे दोस्तों इसमें, तो 1 से 23 अप्रैल तक इसमें एग्जाम है आपके दोस्तों। तो जिसने भी ये फॉर्म भरा था दोस्तों उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप अपने एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगली है दोस्तों लुआस, देखिए लाला लाजपत राय जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है दोस्तों उसके अंदर जो है ना क्लर्क हिसार में है दोस्तों, ये क्लर्क और अटेंडेंट के पदों पर जो है ना आवेदन शुरू हो गए हैं, इसमें ऑफलाइन आवेदन है। कुल पोस्ट इसमें दोस्तों 7 हैं। अगर बात करता हूँ इसके आवेदन की, तो इसके आवेदन आप 3 अप्रैल तक कर सकते हैं, क्लर्क अटेंडेंट वगैरह की जो इसमें कुल मिलाकर 7 पोस्ट हैं दोस्तों, 3 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, SSC JEE 2020 का जो है ना DV एडमिट कार्ड जो है दोस्तों, जो शेड्यूल है DV एडमिट कार्ड का वो रिलीज कर दिया गया है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। SSC JEE 2020 की भर्ती का DV के एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं दोस्तों। उसके बाद अगला मैं बात करता हूँ तो दोस्तों देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आप सभी जानते हैं प्राइमरी हेडमास्टर के पदों पर वैकेंसी निकली थी, बहुत ही बड़े संख्या में ये पद हैं, 40,506 पदों पर इनके आवेदन जो है ना शुरू हो गए हैं दोस्तों, आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगली खबर भी दोस्तों बिहार से ही दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 67वीं जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 8 मई को होगी दोस्तों, पहले यह 7 मई को होनी थी, लेकिन 7 मई को क्या है UPSC शायद का कुछ एग्जाम है, कुछ और अलग प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको क्या है 8 मई को कर दिया गया है। जो BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा होगी वो अब 8 मई को होगी दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम इसमें हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों नैनीताल बैंक में, देखिए नैनीताल बैंक में जो क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट दोस्तों आउट हो चुका है। नैनीताल बैंक में जो ना क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनी का रिजल्ट आ गया है आपका। उसके बाद अगली एक और संबंधित खबर है दोस्तों, DV शेड्यूल से इलाहाबाद हाईकोर्ट में RO रिव्यू ऑफिसर, ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और CA कंप्यूटर असिस्टेंट दोस्तों, इनका क्या है DV शेड्यूल आपका रिलीज कर दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। 1 से 6 अप्रैल के बीच इनके आपका DV शेड्यूल होगा दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद अगली खबर की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगली रहेगी UPSC में, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इंजीनियरिंग सर्विस के पदों के लिए परीक्षा हुई थी, उसका जो ना फाइनल रिजल्ट 2021 का घोषित कर दिया गया है UPSC का दोस्तों। उसके बाद उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में दोस्तों RO एंड ARO के मेन्स एग्जाम की जो है ना दोस्तों उसके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। RO एंड ARO के मेन्स एग्जाम के एग्जाम डेट आपकी रहेगी 7 से 8 अप्रैल दोस्तों, 7 और 8 अप्रैल को आपके एग्जाम होंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में। उसके बाद ही उत्तराखंड से ही रिलेटेड एक और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 के देखिए परी 2021 के एग्जाम जो है ना उसके एडमिट कार्ड आपके रिलीज कर दिए गए हैं परी 2021।
और ये ऊपर वाली खबर थी दोस्तों, ये थी आरओ एंड एआरओ के मेंस एग्जाम की, जो यूनियन जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में प्री होगा 2021 का, उसके एग्जाम कार्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड आपके रिलीज कर दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। ये आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई लेटेस्ट वीडियो नई लेटेस्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।